विस्तार में लिंबायत में आवेला रहमानीय मदरेसा भावनगर में गरीब लोग ने रमजान मास की 200 जेटली फ्रूट किट नु वितरण करवामां आव्युं। आ फ्रूट वितरण में रमजान मास की बधी जीवन जरूरत की वस्तुओं खांड चोखा तेल नमक चा मसाला खजूर रोट जेवी जीवन जरूरत की वस्तुओं गरीब और जरूरतमंद लोगों ने आपवामां आवी हती। रमजान मासना फूड वितरण प्रोग्राम में अहमद अली साहेबे हाजरी आपेल हती, जेमणे कह्युं के એમની સાથે સંકળાયેલા ટ્રસ્ટ મજલિસ એફ એસ સુલેમાની મરહુમ યુનુસ લતીફ ઓરીવાળા ખિદમત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના સહયોગથી આજે 200 જેટલી અનાજને કીટ વિતરણનો કાર્યક્રમ થયો। આ અનાજને કીટ વિતરણમાં કોઈ પણ જાતમાં हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कारी अहमद अली इस वक्त यहाँ बैठा हूँ। ये जगह का नाम है उदना लिंबायत भावना नगर, और इस वक्त मैं जो ऑफिस में बैठा हूँ ये मदरसा इशातुल इस्लाम की ऑफिस में बैठा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम है, इस वक्त अनाज गरीब मिस्कीन बेवा लाचार मजबूरों में तकसीम करने का प्रोग्राम है। यहाँ अप्रोक्सीमेटली 200 या 200 से ज़्यादा किट इस वक्त तकसीम होगी इंशाल्लाह। यही विस्तार में आपको क्यों किट वितरण करना है? ये जो इलाका है लिंबायत का, ये बहुत बड़ा इलाका है। अभी मेरी हाजी अब्दुल्ला जो यहाँ के रहने वाले हैं, हाजी असलम साहब जो यहाँ के रहने वाले, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने अभी मुझे कहा कि 200 किट तो बहुत कम है, यहाँ अगर हम गरीबों का और बेवाओं का और यतीमों का और बहुत सारे डिजेबल का सर्वे करें तो तकरीबन 2 लाख किट की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना ज़रा मुश्किल है। तो अभी बहुत लोगों के सहयोग से ये 200 किट का तकसीम करना होगा इंशाल्लाह। कितनी बार आए हो यहाँ पे? लिंबायत में तो हमारा आना बहुत मर्तबा हुआ है, हम ग्रुप वेडिंग के सिलसिले में यहाँ आए हैं, किट को फूड किट बेचने के तकसीम करने के वास्ते आए हैं, और लॉकडाउन के टाइम पर कई मर्तबा हम यहाँ पर आए हैं, और इसी तरह स्कूल और एजुकेशन और तालीम के लाइन से नोटबुक्स और पेंसिल्स वगैरह देने के लिए बच्चों को आए हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हमारा 12वां 13वां प्रोग्राम है लिंबायत में। आपके साथ सर कौन सी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं? इस वक्त मेरे साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई और संस्थाओं के जिम्मेदार भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मतलब यूँ कहो तो बहुत अच्छा होगा कि बहुत संस्थाओं के सहयोग से आज ये काम होने जा रहा है, जिसमें हमारी संस्था मजलिस फैदे सुलेमानी भी है। ये मेरे साथ हाजी जुनेद ओरावाला बैठे हैं, इनकी संस्था मरहूम यूनुस लतीफ़ ओरावाला वो भी है, फिर इसी तरीके से खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, और भी बहुत सारे लोगों के सहयोग से ये काम शुरू हो रहा है। और ये हमारा गोया फर्स्ट स्टेप है, ये मुबारक महीना शाबान आया है, इसका फर्स्ट स्टेप है। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि शाबान और रमज़ान में और भी ज़्यादा काम कर सकें। ये लिंबायत के अलावा और कोई इलाके में किट वितरण का प्रोग्राम है? लास्ट ईयर हमने लिंबायत के साथ कोसाड़ को भी रखा था साथ में। वो इसके ऊपर होता है कि हम कहाँ तक हमारा काम होगा, अगर हमको ज़्यादा फूड पैकेट्स मिलेंगे सहरी के इफ्तारी के या शाबान के, तो हम लिंबायत को छोड़कर कोसाड़ की तरफ भी जाएंगे। सभी लोगों के लिए है ना ये? जी सभी लोगों के लिए। हम एक बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है, जिसको मेरे बहुत बड़े पीर, मेरे जो पीर है हज़रत शेख सुलेमान मोगलिया दामत बरकातुम जो फ्रांस में रहते, उन्होंने मुझे एक ही बात की नसीहत की है, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से कहा था कि बेटे अहमद अली, जब भी कोई मामला हो, सोशल वर्क हो, इसमें असल चीज़ इंसानियत है, हमदर्दी है और लोगों का ख्याल है। इसमें कभी मज़हब को नहीं देखना कि कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन यहूदी है, और इसमें कभी कलर को भी मत देखना, कोई ज़ात पात को भी मत देखना।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे शेख की बात पर अमल करते हुए आज कई साल से हम जो काम कर रहे हैं, हमने कभी ये फ़र्क नहीं किया कि कोई हिंदू है कि कोई मुसलमान है कि कोई सिख है कि कोई ईसाई है कि कोई यहूदी है, उसका कलर क्या है, वो कौन सी ज़ात का है, वो ऊंची ज़ात का है, छोटी ज़ात का है। बस हमारा एक सर्वे होता है और एक आम सर्वे होता, और सर्वे करने वाले हमारे सबसे बेहतरीन आदमी जावेद भाई ढेंढेन है और हाजी अब्दुल्ला रेलवे वाले हैं। ये इतना अच्छा सर्वे करते हैं कि सर्वे के बीच में ये भी देखा जाता है कि कौन है, कौन से मज़हब का, कौन से धर्म का। बस हमदर्दी, इंसानियत ने आज तक धर्म को देखा नहीं है और हम भी धर्म को देखेंगे नहीं। इंसानियत, हमदर्दी हर एक के वास्ते होती है। मैसेज क्या देना चाहेंगे को? पूरी जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस वक्त लॉकडाउन का मामला बहुत जगहों पर आया है, कोरोना का मामला आया है, हमारे हिंदुस्तान में जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसकी बहुत बहुत पाबंदी करना चाहिए, खास करके सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करना चाहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। और सबको मैं ये पैगाम दूंगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग, बल्कि खास करके हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे भूखे हैं, प्यासे हैं, घर से बेघर है, वतन से बेवतन है। हम सबको मिलकर इनकी खिदमत करना चाहिए, और खिदमत पर जो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई किसी भूखे को एक लुकमा खाना खिला देता है, अल्लाह उसको 70 साल जहन्नम से दूर कर देता है। तो दिखती बात है कि जो पूरा किट दे देगा, 2 महीने का अनाज देगा, वो तो बेशक जन्नती होगा।